News 18, India. वो पूरा मामला भी यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है, जिसके तहत यहाँ ईडी ने शिकंजा कसा है हेमंत सोरेन पर, जमीन घोटाले का वो मामला। आखिर वो मामला क्या था, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। देखिए, टेंडर घोटाले का पूरा पर्दाफाश यहाँ पर हुआ, जमीन घोटाला आखिर कैसे यहाँ पर हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आए। देखिए, अवैध खनन सामने आया और अवैध खनन के बाद एक FIR भी यहाँ पर रांची नगर निगम की ओर से डाली जाती है। जमीन घोटाले की फाइल खुलती है और मनी लॉन्ड्रिंग का वो पूरा खेल यहां पर उसका पर्दाफाश होता हुआ दिखता है। इसके अलावा ये जमीन घोटाले में आखिर हेमंत सोरेन फंसे कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। पूरा जमीन घोटाला कैसे आगे बढ़ता चला गया और 31 जनवरी रात 9:50 पर हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए। देखिए, ये आज की तस्वीर है, 9:30 के आसपास इस्तीफा वो देते हैं और उसके बाद अपने घर पहुंचते हैं हेमंत सोरेन। इसके अलावा रात 9:22 के आसपास राज्यपाल से वो बोलते हैं कि पत्र को देखने के बाद फैसला लेंगे और गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश किया जाता है, वक्त मांगा जाता है राज्यपाल से। लेकिन हालांकि राज्यपाल ने यहां पर अभी कोई वक्त नहीं दिया है। हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर राजभवन से बाहर निकल जाते हैं। ये उस वक्त 9:18 का समय हो रहा था और 8:50 के आसपास हेमंत सोरेन ने अपना त्याग पत्र दिया था। तो ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से चलती आई आपने देखा और आज दिन भर इसको लेकर हलचल मची हुई थी और कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन जल्द ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ईडी जो करने वाली थी इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को थी, इसलिए वो नई नई रणनीति बार बार अपने विधायकों के साथ बैठ कर बना भी रहे थे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है और ऐसे में ईडी के दफ्तर के अंदर ही इस वक्त हेमंत सोरेन मौजूद है। मेडिकल की टीम बकायदा वहां मौजूद है और सुरक्षा के भी सारे इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से वहां पर बचा जाए, क्योंकि कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां बाहर जेएमएम के इकट्ठा हुए हैं। और एक बार फिर से आप सुनिए कि आखिर चंपई सोरेन और उनके अलावा जो जेएमएम के बड़े नेता हैं उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर। समय है ना आप लोग को आने का बोलने का? आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की भाई? इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे, उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी लेप सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है, उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने लेकर नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे आपको समय देंगे। नहीं, शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं मांगे थे, हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है क्योंकि नहीं आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप चले गए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से सामने आ रही हैं, जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है जमीन घोटाला मामले को लेकर। और ऐसे में अब कई सारी अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कल कोर्ट में पेशी होनी है हेमंत सोरेन की। लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं, जेएमएम में के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अब एक नई सरकार उनको बनानी है। राज्यपाल से उन्होंने हालांकि वक्त भी यहां मांगा है, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी वक्त नहीं दिया गया है। आगे क्या होगा इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि उसके पास 47 MLA इस वक्त मौजूद है। और महुआ मांझी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महुआ मांझी जी, जो कुछ भी इस वक्त आप झारखंड में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया होगी आपको, आपकी इस पर?
देखिए पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां ये होना लगभग तय सा हो गया है। जिन जिन राज्यों में आपने देखा होगा किस तरह से लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी मुख्यमंत्री किसी न किसी प्रकार से अभी वो सत्ता से उनको हटना पड़ा, उनकी गिरफ्तारी हुई। और लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, हमारे यहाँ विधायकों का समर्थन है। और आपने देखा होगा कि राजभवन में जाकर कैसे हमारे विधायकों ने संख्या बल दिखाया है, दावा पेश कर दिया है। और ऐसे में जल्द से जल्द गवर्नर को भी चाहिए कि यहाँ पर नई सरकार, मैंने हमारे विधायकों को लेकर हमारे चंपे सोरेन जी को चुना गया है नेता, तो उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला देनी चाहिए। महुआ माझी जी, इस वक्त भी लेकिन राज्यपाल ने अभी तक वक्त नहीं दिया है, तो क्या ये एक चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके कई सारे विधायक बसेस भी आई थी सीएम आवास के अंदर, तो क्या बगावत का भी डर? तमाम विधायक बसों में बैठ के वहां गए थे, हम लोग पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी गए थे वहां पर, लेकिन वहां पर गवर्नर हाउस से बाहर रहने के लिए बोला गया। और आज तो आपने देखा ही है कि उनसे वो मिले भी नहीं, सिर्फ 5 प्रतिनिधियों से मिले हैं जो कि अलग अलग पार्टी के हैं, गठबंधन में हम लोग हैं, तो अलग अलग पार्टी के तमाम विधायक लोग भी गए थे, 5 लोग ही जाने का उनको परमिशन था। और इस्तीफा आपने देखा किस तरह से सौंपा गया, तो ये बहुत ही दुखद है और देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, लोकतंत्र के लिए। और जहां जहां भाजपा से अलग कोई सरकार है वहां इस तरह से डिस्टर्ब करने की लगातार कोशिशें हो रही है, और ये अंदेशा तो था ही, जब से सरकार बनी थी तब से इस तरह का प्रयास आरंभ हो चुका था, कई बार तो लगभग होते होते नहीं हुआ, और इस बार आखिरकार ये बहुत सब कुछ हुआ जिसका डर था। जी, तो तमाम कयास अटकलें तो यहाँ पर महुआ जी लगी रही है, लेकिन कल झारखंड बंद का ऐलान भी जेएमएम की ओर से किया गया है, क्यों, क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए पार्टी के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, चूंकि आदिवासियों के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और गुरुजी हमारे माननीय शिबू सोरेन जी के वो सुपुत्र हैं, उन्होंने जिस तरह से लड़ाई लड़कर कितना संघर्ष किया, आंदोलनकारी रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता ज्यादातर आंदोलनकारी हैं, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो कि जनता के लिए, गरीब दुखी जनता के लिए, जो कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए जिन्होंने एक कर दिया दिन रात, वो आपको पता होगा सरकार आपके द्वार जैसा कार्यक्रम जो कि एकदम दूर दराज के दुर्गम इलाकों में जाकर लोगों को जो जहां से मदद मिल रही थी उस तरह की योजनाओं को लॉन्च कर रहे थे, हर क्षेत्र में चाहते थे कि झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बने, क्योंकि यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ जिस तरह से एक समृद्ध राज्य है, इसके लोग इतने गरीब क्यों रहे, इसी लेकर वो दुखी थे, तो वो चाहते थे इसे एक नंबर बनाना। ऐसे में ऐसे मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करना, ये यहाँ की जनता से ये पच नहीं रहा है, और हमारे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, शायद इसीलिए। जी महुआ माझी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जेएमएम की सांसद महुआ माझी जी जुड़ी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम के वो दुखी हैं, और इसी वजह से झारखंड में बंद का ऐलान किया गया है जेएमएम की ओर से। लेकिन यहाँ चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा, और तमाम जो बड़े नेता हैं जेएमएम की ओर से उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको हम सुनाएंगे। लेकिन झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री, अब कहा जा सकता है उनको, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा था ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद ये उनका पहला ट्वीट है। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, ये उन्होंने लिखा, और हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान, बने रहो। ये ट्वीट उन्होंने किया है गिरफ्तारी के बाद, हेमंत सोरेन का ये ट्वीट है, इस वक्त ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देने का प्रयास किया, क्योंकि मनोबल तो टूटा जरूर होगा जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं का, ईडी दफ्तर के बाहर उनका जमावड़ा भी लगा है ऐसा कहा जा रहा है। तो हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, ये उन्होंने ट्वीट किया है। किसी इस वक्त अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अविनाश ईडी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल फिलहाल वहां, क्या परिवार अब भी अंदर मौजूद है, क्या बाहर कार्यकर्ता अब भी इंतजार कर रहे हैं?
ये देखिए कार्यकर्ता यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, ईडी दफ्तर तक। मैंने पहले भी कहा कि रांची के मुरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राज्य के अलग अलग जिलों से आए थे, लेकिन जहां तक परिवार की बात है तो परिवार में कल्पना सोरेन जो कि उनकी पत्नी है वो इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। और जो समय था 10:05 के करीब वो अंदर गई थी, आप समझ लीजिए कितने वक्त गुजर चुका है, इसके बावजूद भी वो अंदर है। दूसरी बात यह भी है कि कल जिस तरह से बंद को लेकर जो बातें सामने अब आ रही है उसके मुताबिक अलग अलग जगहों पर तैयारी की गई है, चाहे वो जीटी रोड की बात कर ले या नेशनल हाईवे की बात कर ले। आज भी कई ऐसे जगह सड़क जाम करके जेएमएम के कार्यकर्ता नेता बैठे थे जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है। तो अभी से ही ये सूचना आनी शुरू हो गई है कि कल जो है झारखंड जो बंद का कॉल किया गया है उसमें बड़ी संख्या में जेएमएम के लोग और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सड़क पर उतर सकते हैं, ये एक सूचना जरूर आ रही है। दूसरी बात यह भी हम कह दें कि अभी भी जो गठबंधन के जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और उनके अंदर ये मंथन का दौर अभी भी इस वक्त भी चल रहा है कि कैसे अगर बहुत ज्यादा लेट होता है, अगर राजभवन की तरफ से अगर कोई सूचना नहीं दी जाती है तो आगे क्या कुछ करना है, कितने देर में करना है, इसकी भी एक रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन ने उनको पता था कि इस तरह की कोई उनके साथ, अगर आप दिल्ली की देख ले घटना जिस तरह से दिल्ली में हुई 2 दिन पहले, जहां दिल्ली वो गए थे और वहां फिर ईडी के अधिकारियों ने जिस तरह से उनके घर पर गए और उसके बाद से वो वहां से निकले 32 घंटे तक कहां रहे, इसको लेकर भी तरह तरह की बातें होती रही। लेकिन जब वो झारखंड पहुंचे, रांची पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। और जब वो बापू वाटिका गए, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की, तो कहा कि जो लोग पूछ रहे हैं कि कहां है, मैं वहीं था जहां पर हूं और आपके दिल में मैं बसता हूं, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। तो अब उन्हें इस बात का पहले से ही उन्हें जानकारी मिल चुकी थी और वो समझ रहे थे कि क्या कुछ उनके साथ हो सकती है। कल जो एक बैठक हुई थी वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, उसी बैठक के कारण आज जो स्थितियां बदल रही है, या फिर हम ये कहें कि राजभवन में जिस तरह से जाकर गठबंधन के तरफ से जो दावे किए गए हैं, इसका प्लेटफॉर्म, इसका स्क्रिप्ट जो है वो पहले ही हेमंत सोरेन ने कल की बैठक में ही लिख दिया था। और ये माना जा रहा था कि पहला नाम तो जरूर कल्पना सोरेन का था जो कि उनकी पत्नी का है, लेकिन जो दूसरा नाम था वो सबसे आगे चंपई सोरेन ही चल रहे थे। चंपई सोरेन पहले से ही शिबू सोरेन परिवार के बहुत ही करीबी माने जाते रहे हैं, एक लड़ाकू नेता के रूप में जाने जाते हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं कोल्हान में, उन्हें कोल्हान टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पहले से ये तय माना जा रहा था, आज सुबह से ये बातें हो रही थी कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात आती है, अगर परिवार के किसी सदस्य पर सहमति नहीं बनती है तो चंपई सोरेन ही होंगे और चंपई सोरेन पर ही इस वक्त मुहर लगी है। लेकिन जो बातें आ रही हैं सामने, अभी तक कोई भी सूचना राजभवन की तरफ से गठबंधन के नेताओं तक नहीं पहुंची है जी, और उसी का इंतजार भी किया जा रहा है। राज्यपाल से अनुमति मांगी गई है और जब वो कहेंगे उसके बाद हो सकता है आगे चलकर गठबंधन ने जो अनुमति वहां पर इजाजत मांगी है सरकार बनाने को लेकर, सरकार बने उसके बाद। लेकिन कल कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी होनी है और जमीन घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। ईडी ने उनसे 6 घंटे की लंबी पूछताछ की, लंबी जो फेरिस्त थी उनके सामने सवालों की, उनके जवाब हेमंत सोरेन की ओर से दिए गए। इससे पहले 20 जनवरी को भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए थे, लेकिन ईडी उनके जवाबों से असंतुष्ट थी। उसके बाद उनको और समन भेजेगा, 10वें समन के बाद एक बार फिर पूछताछ होती है। और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए, हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे, उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी देव सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है, उसमें 43 और ये हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने लेकर नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। जब पैस बोलेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं मांगे थे, हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते है कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं आप लोग दावा पेश किए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए।